हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज है 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस। तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज के दिन के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं कि आज के ही दिन यानी 26 जनवरी 1950 को ही हमारे देश में संविधान लागू हुआ था, जिसे करीब 2 साल 11 महीने 18 दिनों में पूर्ण बनाया गया था। और 26 नवम्बर 1949 को यह कम्प्लीट हुआ था, जिसे 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू हुआ था। तो आज कॉलेज में तो छुट्टी है, तो IT अकेडमी वहाँ मनाएंगे गणतंत्र दिवस। तो पहले मैं फटाफट तैयार हो जाता हूँ, वैसे भी आज थोड़ा लेट हो गया, वरना पहले स्कूलों में 7 बजे तक तैयार होकर चले जाते थे, लेकिन अभी तो 7 बजे उठ रहे हैं। तो चलो मैं पहले तैयार होता हूँ, फिर मिलता हूँ। ओके, तो गाइस मैं हो गया हूँ तैयार, और ऊपर में वाइट शर्ट, नीचे में ब्लैक जीन्स और जूता पहन के मस्त जाऊंगा। तो पहले जाता हूँ आज़ाद चौक में, वहाँ झंडा फहराएंगे, फिर उसके बाद वहाँ से जाऊंगा IT अकेडमी, फिर वहाँ भी गणतंत्र दिवस की तैयारी करेंगे, फिर उसके बाद वहाँ चेस मनाएंगे, क्योंकि कॉलेज तो जाना नहीं है, क्योंकि कॉलेज में सिर्फ टीचर्स लोग मनाएंगे मेरे ख्याल से, बच्चे तो जा नहीं रहे, फिर गणतंत्र दिवस मनाएंगे। तो चलो निकलता हूँ। ओके, हर बात की तरह आज का नाश्ता पोहा। अरे यार, मैं तो बहुत लेट हो गया लग रहा है, शायद चौक में झंडा फहरा डाले होंगे। ओ, यहाँ तो मिठाई भी बांटना चालू कर दिए। ऋषभ, इस्माइल, तो ये है चौक का झंडा, लेकिन लेट हो गया यार, झंडा का तो ये नहीं देख पाया। तो गाइस हम पहुंच गए IT अकेडमी कुरुद, और यहाँ तो बहुत खाली पीली लग रहा है, लगता है कोई नहीं आया है। सर बोले थे 10 बजे से चालू होगा, और अभी 9:30 बजे, इसलिए सब लोग सोच रहे हैं कि 10 बजे आना। चलो ऊपर जाके देखते हैं। ओके, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके पास तेरी निशान है मेरा मन है वतन, जाने मन। सिर्फ भारत देश ऐसा नहीं है कि आजाद, उसी में हुआ अगस्त में
वन बाई वन अलग अलग है, पाकिस्तान भी है, अफगानिस्तान भी है, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो उस समय आजाद हुए थे, ठीक है। तो रही बात, बहुत सारे ऐसी चीजें जिसको हम नहीं जानते, जैसे लाइक गणतंत्र दिवस। तो गणतंत्र दिवस क्या है? सीधी सी बात है, स्वाभिमान, नियम कानून, सोचने की आजादी, अपना देश, अपने रूल्स, अपनी लाइफ, ये सब जानते हो ना। मैं छोटे छोटे वर्डिंग कर रहा हूँ, साहित्यिक भाषा का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, चीजों को समझ रहा हूँ। तो गणतंत्र दिवस मतलब 50 को भारत का कानून बना, विधेयक बोलते हैं जिसको, अनुच्छेद विधेयक आप पढ़े होंगे, ये बना है। गणतंत्र का मतलब बस संविधान लागू हुआ, संविधान, आखिर संविधान है क्या? संविधान का मतलब होता है नियम। क्या होता है? नियम। नियम तो पहले आप अंग्रेजों के नियम फॉलो करते थे, अब अपने देश के नियम फॉलो करते हैं। ये सिर्फ रिटर्न में हुआ है, इसमें हुआ है रिटर्न। लेकिन तो यहाँ पे, लेकिन आप यहाँ पे कोई समाजशास्त्र वाले होंगे, राजनीति शास्त्र वाले होंगे, पढ़ा होगा। तो गणतंत्र दिवस का प्रोग्राम लास्ट आने वाला है, अब हवा दे रहा हूँ, उसके बाद सब लोग अपने अपने घर चले जाएंगे। बूंदी सेव खा लिए, सब अपना प्रोग्राम भी दिए, सर ने अपना स्पीच भी दिया, सभी लोगों ने देखा। और यहाँ पे बहुत धूप हो रहा है यार, इसलिए मैं अच्छे से वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। तो वहाँ नीचे अभी सब लोग डांस कर रहे हैं, तो चलो कार्यक्रम ख़त्म और घर के लिए मैं निकलता हूँ। ओके, तो गाइस अभी हो गई इवनिंग और मैं दोपहर में ही आई टी अकेडमी से वापस आ गया और यहाँ आया घर और खाना खाया और आराम से सो गया और अभी उठ रहा हूँ। तो आई टी अकेडमी में हम लोग मस्ती किए, भारत माता की आरती भी की और यहाँ आजाद चौक में झंडा फहरा है उसको मैं देख नहीं पाया, लेट हो गया। तो बूंदी जब बांट रहे थे प्रसाद उसी टाइम पहुँचा, लेट हो गया यार, ये तो अच्छा नहीं लगा मेरे को। फिर उसके बाद आई टी अकेडमी गए, वहाँ भी गणतंत्र दिवस की तैयारी की, टेबल्स को अरेंज किए, स्पीकर लाए, फिर सर लोग आए और भारत माता की आरती की। उसके बाद सभी लोग अपना परफॉर्मेंस किए, मैं भी सिंगिंग किया, फिर नाश्ता मिला, सेव बूंदी प्रसाद भी मिला खाए, उसके बाद थोड़ा डांस भी किए, क्योंकि सभी लोग अब मिल गए तो थोड़ा मस्ती भी होना चाहिए, तो डांस किए। उसके बाद समोसा नाश्ता मिला तो समोसा भी खाए, फिर वापस मैं घर आ गया, उन लोग बाकी लोग और रुके हुए थे। फिर उसके बाद मैं तो सो गया घर आके और अभी शाम को उठा हूँ। तो आप लोग भी गणतंत्र दिवस बहुत अच्छे से मनाएंगे, तो एक बार और आप लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और ऐसा ही हमारा देश को रिपब्लिक बनाए रखे और अपना सहयोग जरूर दें और भारत को स्वच्छ बनाए रखे। तो आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। तो अगर आपको यह ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना कि यह ब्लॉग कैसा लगा, और जो न्यू व्यूवर्स है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हिट करें। ओके, बाय बाय।